हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे साउंड की ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो साउंड की ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग क्या होती है तथा इसका ब्लॉक डायग्राम तथा इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है तथा किस प्रकार साउंड की ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग होती है, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग साउंड की किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या लगे होते हैं। जैसे इसमें हमारा साउंड सोर्स होता है और एक माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन और एक एम्पलीफायर होता है तथा एक ट्रांसफार्मर होता है तथा एक HT होता है, यानी जिसे हाई टेंशन कहते हैं DC सप्लाई यानी कि, और एक हमारा AEO लैंप होता है ठीक। उसके बाद एक स्लिट होती है और लेंस होती है और फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसमें हमारा साउंड रिकॉर्ड होता है। तो अब हम एक एक के बारे में जानेंगे तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारा साउंड सोर्स होता है, जैसे कि जहाँ से ध्वनि, जैसे कोई वक्ता हो, बोल रहा हो, तो उसके बाद हमारा लगा होता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का काम होता है कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। जैसे हमारी कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये माइक्रोफोन हमारा कन्वर्ट करता है। उसके बाद में आ जाइए प्री एम्पलीफायर। तो माइक्रोफोन से हम सीधे इसको प्री एम्पलीफायर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो माइक्रोफोन से आउटपुट हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, उसी को एम्पलीफाई करने के लिए प्री एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं। प्री एम्पलीफायर के बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर और उसके बाद हमारा इसके सीरीज में, ट्रांसफार्मर के सीरीज में हमारा HT यानी हाई टेंशन जो होती है DC सप्लाई, वो इसके साथ त्रिवेणी क्रम में जुड़ी होती है। उसके बाद AEO लैंप हमारा जो होता है एनोड पर परिवर्तित धनात्मक वोल्टेज प्राप्त होने से लैंप की धारा में परिवर्तन होता है जो कि ध्वनि के ऑडियो सिग्नल के समानुपाती होता है। लैंप में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने से लैंप से प्रकाश उत्सर्जित होता है और इसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है ठीक दोस्तों। और लैंप से उत्सर्जित परिवर्तित तीव्रता युक्त प्रकाशीय बीम को एक स्लिट एक लेंस से गुजारा जाता है, जो इसकी स्लिट होती है यहीं से मतलब प्रकाश को गुजारा जाता है। उसके बाद इसके सामने लेंस को रख दिया जाता है। लेंस पे जब इस ये होता है हमारा उत्तल लेंस, जब इस पे कोई प्रकाश पड़ती है तो ये प्रकाश को एक केंद्र पर फोकस कर देता है और ये इसके सामने हमारी रखी होती है फोटोग्राफिक फिल्म जिसपे साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस पे हमारी लेंस के द्वारा इस पे प्रकाश पड़ता है जिससे यानी कि इसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे हमारी वो प्रकाश पड़ती है जिससे क्या कहते हैं ध्वनि रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस आपका ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग साउंड की ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग ठीक दोस्तों। और जैसे कि ये है हमारा इसमें क्या कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म होता है तो ये हमारा साउंड को स्टोर करता है तथा इसी पे साउंड को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।